नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आप प्रॉपर तरीके से गेमिंग पीसी को बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बात आ जाता है कि पीसी बिल्ड करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कैबिनेट आपको दिख रहा है, एक गेमिंग पीसी का कैबिनेट है, आपको देख के ही पता चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरा ग्लास लगा हुआ है, और यहाँ पे जो साइड पैनल है इसमें भी देखिए पूरा ग्लास लगा हुआ है। तो गेमिंग पीसी में दोस्तों क्या होता है, जो लाइटिंग होता है, लाइटिंग का मजा हम लोगों को मिलता है, और इसलिए यहाँ पे मतलब दोनों तरफ में आपको ग्लास नजर आएगा। तो ये वाला कैबिनेट खरीद के आप अगर प्रॉपर तरीके से इसको बिल्ड नहीं करेंगे तो ये देखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा। मतलब आप नॉर्मल कैबिनेट में जो काम करते हो, मतलब केबलिंग वगैरह जैसे बिल्ड करते हो, जैसे डिवाइस को लगाते हो, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा अलग आपको करना पड़ता है, इसलिए इस जो गेमिंग कैबिनेट है वो थोड़ा सा अलग दिखता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जो जो डिवाइस मतलब अंदर में इंस्टॉल होता है वो कैसे इंस्टॉल करना है, और केबलिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, इसका जो केबलिंग है, केबलिंग आपको कैसे करना है प्रॉपर तरीके से, वो हम इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों, मैंने एक पिछले एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इन्वाइट किया था कि आप अगर घर में आप खुद से गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा, तो आप खुद से ही मतलब गेमिंग पीसी को बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के रखिए, क्योंकि दोस्तों मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों, आप अगर मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड, कंप्यूटर नेटवर्किंग रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड, क्विक हेल्थ रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो जाके चेकआउट कीजिए, और कोई भी मतलब प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को आंसर देने के। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पहले बात आता है इस ग्लास का, साइड का जो ग्लास है वो आपको खोल लेना है। यहाँ पे चारों स्क्रू रहता है, मैं अभी दो स्क्रू लगा के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो इस स्क्रू को आप हाथ से ही मतलब खोल सकते हैं, ये पूरा ग्लास का है तो ध्यान से आपको खोलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आप खोल लीजिएगा पहले। तो इसका असली मजा तो दोस्तों ये ग्लास का ही है, मतलब ग्लास के मतलब बाहर से ही आप पूरा सिस्टम को, अंदर का जो सिस्टम है उसको पूरा आप देख सकते हैं। तो ग्लास को पहले खोल लीजिएगा और साइड में अच्छे से रख लीजिएगा, तो पूरा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे केबलिंग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे मदरबोर्ड रैम जो जैसे मतलब दूसरे कैबिनेट में फिट होता है ऐसे ही है, लेकिन इसका जो SMPS भी यहाँ पे फिट है। और देखिए यहाँ पे जो तीनों फैन आपको दिख रहा है, कूलिंग फैन, यहाँ पे फ्रंट पैनल में इसमें लाइट लगा हुआ है, तो आपको हम मतलब ऑन करके भी दिखाएंगे। और यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा फैन, मतलब चारों फैन यहाँ पे कूलिंग के लिए लगा हुआ है। तो कूलिंग का जो सिस्टम है, यहाँ पे देखिए पूरा केबलिंग किया गया है, ध्यान से देखिए, मतलब अंदर में आपको पूरा साफ साफ नजर में आएगा, तो बाहर से देखने में एक मजा आ जाएगा आपको दोस्तों, क्योंकि आपका ग्लास लगा हुआ है तो अंदर में जो भी डिवाइसेस लगा हुआ है तो वो वाला डिवाइस देखने से एक मजा आ जाता है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपका हार्ड ड्राइव लगा हुआ है, और यहाँ पे देखिए SSD लगा हुआ है। तो गेमिंग पीसी आप अगर बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप स्टोरेज के लिए हार्ड ड्राइव तो लगा सकते हैं, लेकिन बूटिंग के लिए OS जहाँ पे इंस्टॉल होता है, तो OS इंस्टॉल करने के लिए आप जरूर यहाँ पे मिनिमम 120 GB SSD आप यहाँ पे इंस्टॉल कीजिए। क्योंकि दोस्तों गेमिंग पीसी जो होता है, गेमिंग पीसी में मतलब फास्ट बूट नहीं होने से मतलब आपको मतलब मजा नहीं आएगा, और आपको गेम का खेलने में भी मतलब आपको मजा नहीं आएगा। तो SSD जरूर लगाइए, किसी भी कंपनी का लगा सकते हैं, लेकिन SSD होना चाहिए जहाँ पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो। और स्टोरेज आपको अगर चाहिए तो स्टोरेज के लिए आप 1 TB 2 TB जितना भी चाहिए आप यहाँ पे लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मेन जो फंडा है दोस्तों, इसका केबलिंग का है। तो केबलिंग देखिए, कोई भी केबल आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो जो केबल मैंने इंस्टॉल किया है तो पीछे से करके यहाँ पे साफ रखा है, क्योंकि ये देखना चाहिए मतलब अच्छा देखना चाहिए। तो कैसे मैंने किया वो चलिए दिखा देते। तो इसका पीछे में जाइए,
पीछे देखिए नॉर्मल कैबिनेट की तरह है, मतलब यहाँ पे कोई नहीं दिखेगा। आपका जो फ्रंट पैनल आपको दिखेगा और जो साइड पैनल है वो दिखेगा। तो देखिए जितना भी केबल वगैरह है और आप यहाँ से लेके यहाँ पे मतलब जहां पे केबल आपका लगता है वहां पे आप कर लीजिएगा। तो ऐसे कीजिएगा तो आपको मतलब, इसलिए देखिए यहाँ पे जो कैबिनेट है तो कैबिनेट का जो स्पेस यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा होल आपको दिख रहा है, तो जो केबिल जहाँ पे जाके लग रहा है ऐसे करके आप केबिलिंग कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो पूरा जितना भी केबिल है वो पीछे से आएगा और जहाँ पे लगना चाहिए वहां पे लग जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेन 24 पिन का जो केबिल है, देखिए यहाँ पे यहाँ से लाके मैंने यहाँ से फिट कर दिए। तो जितना भी केबिल है, साटा केबिल है, ये यूएसबी का केबिल है, फ्रंट यूएसबी का केबिल है, और जितना भी देखिए यहाँ पे फ्रंट पैनल का जितना भी केबिल आपको दिख रहा है यूएसबी, और यहाँ पे आपका ऑडियो जितना भी है, और आप ऐसे कीजिएगा तो अच्छा रहेगा और देखने में भी मजा आएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो तीनों फैन लगा हुआ है, और तीनों फैन का देखिए यहाँ पे सेक्शन किया गया है, और ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे मतलब कैबिनेट में ही आपको लॉक दिया गया है, मतलब यहाँ पे आप इसको फिट कीजिए, क्योंकि ये जो केबिल वगैरह है फैन का, तो यहाँ पे देखिए एक सीरीज बना के मतलब कैबिनेट के साथ ही यहाँ पे दिया गया है। तो ये वाला यहाँ पे सेट होगा। तो जितना भी मतलब आपका गेमिंग कैबिनेट होगा, गेमिंग कैबिनेट में आपको ये सब फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप कीजिएगा तो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी इसको लगा दूंगा और आपको ऑन करके फाइनली दिखाऊंगा कि कैसे देखने में कैसे लग रहा है। तो चलिए इसको पहले सेटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे लगा हुआ है, तो ग्राफिक्स कार्ड लगाने से आपको क्या होगा, तो जो VGA केबिल और आपका HDMI केबिल है उसको आपको उधर में लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसका जो कैबिनेट का पैनल है इसको लगा लेते हैं। यहाँ से देखिए बहुत ही इजी तरीके से आपको फिट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा स्पेस होता है, यहाँ पे बहुत सारा स्पेस होता है केबिल को इंस्टॉल करने को। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे फिट कर दूंगा। तो फिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रू लगा देना है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, मतलब नॉर्मल स्क्रू ही है, तो उसको भी हम लगा लेते हैं यहाँ पे। और इसको ऑन करके आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे आपको दिख रहा है, मतलब कैबिनेट कैसे दिख रहा है। तो दोस्तों आप खुद से ही मतलब जितना भी पार्ट्स वगैरह जो भी मतलब आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, यहाँ पे दोस्तों i3 का प्रोसेसर लगा हुआ है, तो इंटेल का i3 प्रोसेसर लगा हुआ है 11 जनरेशन का, और मदरबोर्ड भी आपका लगा हुआ है 410 का। और यहाँ पे दोस्तों जो ग्लास है, ग्लास को भी हम यहाँ पे फिट कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपका स्क्रू लगता है, तो ध्यान से लगाइएगा, ज्यादा हड़बड़ी मत कीजिएगा, क्योंकि हड़बड़ी का काम शैतान का होता है। और यहाँ पे भी ग्लास में लगा दूंगा। तो यहाँ पे रबड़ है दोस्तों, तो आपका जो ग्लास लगा हुआ है उससे कोई साउंड वगैरह कुछ भी नहीं आएगा।
तो दोस्तों बहुत ही इस तरीके से देखिए यहाँ पे ग्लास लगा दिया मैंने, और अभी जो आपको दिख रहा है बाहर से सब कुछ, अंदर का सब कुछ दिख रहा है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं और ऑन करके आप लोगों को दिखा देते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको इसका जो फ्रंट पैनल है, फ्रंट पैनल को आप लोगों को दिखाएंगे, उसके बाद साइड का पैनल दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे चलिए ऑन कर लेते हैं। और इसका जो दोस्तों फ्रंट स्विच वगैरह है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पावर स्विच आपको दिख रहा है, यहाँ पे पावर स्विच दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए रिस्टार्ट का स्विच दिख रहा है, और यहाँ पे एक USB 2 है और एक USB 3 भी है, और यहाँ पे एक माइक का पोर्ट दिया गया है और एक साउंड आउटपुट साउंड का पोर्ट दिया गया है। तो यहाँ से भी आप साउंड वगैरह मतलब इन आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी मतलब USB 2 या USB 3 आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, मतलब सस्ता पड़ेगा आपको, आप देख लीजिएगा, आपका जो भी कैबिनेट आपको पसंद आएगा वो आप खरीद के बिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी फाइनली हम क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे और इसका जो लाइटिंग बल्ब है कैसे दिखता है चलिए दिखा देते। तो चलिए इसको ऑन कर देते। तो देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का लग रहा है, मतलब तीनों फैन तो चल रहा है उसके साथ, मतलब इसका जो लाइट वगैरह है सात रंग का जो लाइट है, लाइट भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों ऐसे ही आप कीजिएगा, और यहाँ पे आप देखिएगा, देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे बूट भी हो गया, मतलब कुछ ही सेकंड में, 6 सेकंड में ये वाला बूट हो जाएगा, क्योंकि मैंने अलग से यहाँ पे SSD में जो विंडोज 10 है उसको इंस्टॉल किया है। आप अगर नॉर्मल हार्ड ड्राइव में करेंगे तो थोड़ा सा स्लो खुलेगा, और जितना भी गेम वगैरह एप्लीकेशन आप चलाना चाहते हैं वो भी मतलब स्लो काम करेगा। तो इतना खर्चा करके आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा दोस्तों, तो मेरा सलाह यही है। और यहाँ पे दोस्तों 8GB का रैम लगा हुआ है, आप चाहिए तो 16GB का 32GB का रैम लगा सकते हैं। तो आपके हिसाब से आप देख लीजिएगा कौन सा रैम चाहिए, मतलब कितना स्पीड आपको चाहिए, लेकिन मेरा सजेशन नहीं है आप SSD जरूर लगाइए, विदाउट SSD आप गेमिंग PC बना नहीं सकते। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, इसका जो साइड पैनल है वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे साइड पैनल का मजा लीजिए, साइड पैनल का मजा लीजिए, देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों मैं इसका जो रिंग लाइट का लाइट जो है लाइट बंद कर दे रहा हूं तो आपको अच्छे से दिखेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो दोस्तों बहुत ही मजा आ रहा है, और आप अगर घर में लाइट ऑफ करके इस PC को चलाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए। तो लाइट घर का ऑफ कर दे रहा हूं, तो अभी देखिए दोस्तों अभी जो नजारा आप लोगों को दिख रहा है मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप अगर मतलब इससे भी ज्यादा लाइट चाहते हैं तो कैबिनेट के हिसाब से आपको खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लाइट वगैरह है सफिशियंट लाइट है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब इस रोशनी से आपका जो घर है वो रोशन हो जाएगा दोस्तों। तो गेम खेलने में भी मजा आएगा और देखने में भी मजा आएगा, और कोई भी पार्ट्स वगैरह मतलब फैन मैन घूमना बंद हो गया तो आप बाहर से ही देख सकते हैं, इसको खोलने की जरूरत नहीं है। और केबलिंग का प्रॉब्लम हुआ तो बैक साइड खोलिएगा तो आपका केबलिंग का प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही मतलब आप घर में बनाइए, कोई भी दिक्कत आए तो जरूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा क्या दिक्कत आ रहा है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों का आंसर देने का। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।